हेलो स्टूडेंट्स, आज कॉम्प्लेक्स में हम फंक्शंस की लिमिट पढ़ेंगे। लिमिट ऑफ ए फंक्शन। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। पहले आपको कोई एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन गिवन है, लेट एफ जेड ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन ऑन सी, ठीक है, एंड डिफाइन इन द नेबरहुड ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड नॉट एंड डिफाइंड इन द नेबरहुड ऑफ जेड नोट। एक पॉइंट है जेड नोट, उसके नेबरहुड में ये फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है। देन द नंबर कोई नंबर है, नंबर एल इज कॉल्ड लिमिट ऑफ एफ ऑफ जेड एट z बराबर z नोट। उस z नोट पे l लिमिट कहलाती है फलन f की, इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट mod f of z माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर जेड माइनस जेड नॉट इज लेस देन डेल्टा। यानी कि जब जेड, इसका मतलब होता है जेड बिलोंग टू डेल्टा नेबरहुड ऑफ जेड नॉट, यानी कि जेड नॉट माइनस डेल्टा, जेड नॉट प्लस डेल्टा, तो ये डेल्टा नेबरहुड है, ठीक है। यदि z डेल्टा नेबरहुड के अंदर बिलोंग करता है, यहां पे एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर में ये सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, ओके, सर्कल ले लो, ठीक है, z नोट के अराउंड डेल्टा रेडियस का सर्कल ऐसे डिनोट कर सकते हो, या फिर इसको आप बोल सकते हो, हाँ ये सिंपल है, हमें इसको ऐसे ही डिनोट करते हैं, ठीक है, ये सर्कल ही हो गया, ओके। यदि हमारा z इस सर्कल में है, डेल्टा रेडियस का सर्कल अराउंड z नोट, तो हमारा f ऑफ z उसके करस्पॉन्डिंग जो f की वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, l के अराउंड एप्सिलॉन रेडियस का सर्कल उसके अंदर होना चाहिए, l के अराउंड, ठीक है। तो अब हम बोलते हैं हमारा फंक्शन की l जो है लिमिट कहलाती है। अभी हम इसको एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैं एग्जांपल ले रहा हूं, f of z is equal to z square, और ठीक है, और इसकी लिमिट फाइंड करते हैं at limit z tends to iota पे z square की लिमिट जो है वो माइनस वन होगी, इसको हमें स्वैप करना है। तो देखो क्या करेंगे हम, सबसे पहला हमारा काम है f of z minus l, f of z minus l को हमें क्या दिखाना, less than epsilon दिखाना है, तो इसको सिंप्लीफाई करो थोड़ा, z square minus और minus यानी कि plus 1, अब 1 को हम क्या लिख सकते हैं, iota square है ना, तो z square 1 को minus iota square लिख सकते हैं, minus iota square, क्योंकि iota square की वैल्यू होती है minus 1, और minus और minus plus 1 हो गया, ओके, तो इसको आप ब्रेक कर सकते हो, यानी कि z minus iota और z प्लस आइटा, इतना तो कर ही सकते हो। अब हमें क्या करना है, ये एफ जेड है वो माइनस एल की लिमिट फाइंड करनी है व्हेन एवर z माइनस आइटा मोड इज लेस देन डेल्टा, है ना, अब सिंस या फिर व्हेन एवर z माइनस आइटा इज लेस देन डेल्टा, ये हमें करना है। तो यहां से ये वैल्यू तो आ गई डेल्टा से लेस देन, क्योंकि हमें बस इतना करना है कि एप्सिलॉन और डेल्टा के मध्य रिलेशन फाइंड करना है, कि सच दैट अगर जेड माइनस आइटा लेस देन डेल्टा है तो एफ ऑफ जेड माइनस एल जो है एप्सिलॉन से छोटा हो जाए,
तो अभी वो रिलेशन फाइंड करना, वो रिलेशन फाइंड करेंगे तो ये तो श्योरली हमारा डेल्टा से लेस देन हो गया। अब ये क्वांटिटी है, इसको देखते हैं थोड़ा कि जेड प्लस आइटा को हम क्या लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं जेड माइनस आइटा प्लस टू आइटा लिख सकते हैं, तो यानी कि जेड माइनस आइटा प्लस टू आइटा का मॉडुलस, ये तो हो गया लेस देन डेल्टा। और ये क्या हो गया टू, और आइटा का मोड होता है वन, तो ये आ गया टू। ठीक है, तो अब यहां से आप क्योंकि हमारा जेड माइनस आइटा क्या था लेस देन डेल्टा था ना, इसलिए अब चूंकि डेल्टा बहुत स्मॉल क्वांटिटी है तो आप इसको वन से भी छोटा ले सकते हो, तो कुल मिला के ये क्या हो गया थ्री से छोटा हो गया, यानी कि जो ये वैल्यू वो थ्री से छोटी हो गई। ओके, तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि एफ ऑफ जेड माइनस एल, एफ ऑफ जेड माइनस एल इज लेस देन इक्वल टू डेल्टा और थ्री, यानी कि थ्री डेल्टा। तो आप क्या करोगे, पुट एप्सिलॉन इज इक्वल टू थ्री डेल्टा, और आप क्या लिखोगे डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय थ्री। ठीक है, देन ये क्या हो गया लेस देन एप्सिलॉन, क्योंकि ये दोनों इक्वल है ना, तो इज इक्वल टू एप्सिलॉन। व्हेन, कब हुआ है, जब जेड माइनस आइटा इज लेस देन डेल्टा हुआ था, समझ रहे हो, तो हमारा डेफिनेशन होल्ड हो रही है। इसका मतलब लिमिट ऑफ f of z as z tends to iota is equal to minus 1, ये हमने शो कर दिया। तो इसको लिखते हैं ऐसे, ठीक है, यानी कि आपको लिखना हो या ऐसे बोल सकते हैं हम कि f of z tends to l when z tends to a या z not, इसका मतलब इक्विवेलेंट डेफिनेशन है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट z tends to z not f of z is equal to l, ऐसे भी लिख सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट हम आगे थोड़ा मूव करते हैं। अब बात करेंगे हम कंटिन्यूटी की, क्योंकि कोई फंक्शन है वो कंटिन्यूअस कब कहलाता है। तो देखो, सिंपली हमने अभी तक पढ़ा हुआ है कि कोई फलन कंटिन्यूअस कहलाता है एट पॉइंट जेड नॉट यदि उसकी जो लिमिट की वैल्यू है एट जेड नॉट वो फलन के मान के बराबर हो। ऐसे बोलते हैं ना कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ऑफ फलन का मान इक्वल हो तो फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाता है। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे पास उस ये वाला मान लो इस पॉइंट पे चेक करने, मान लो जीरो पे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और जीरो के राइट हैंड लिमिट और उस का मान, ये तीनों अगर बराबर है तो हमारी फलन का सॉरी कंटिन्यूस होगा। क्योंकि यहाँ पे जो लिमिट है वो लिमिट फाइंड करने के सिर्फ दो ही तरीके होते हैं कि या तो लेफ्ट हैंड से फाइंड करो या राइट हैंड से फाइंड करो। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स में, तो कोई भी पॉइंट है जेड नोट इसके ऊपर हमें लिमिट फाइंड करनी है, तो इस पॉइंट पे पहुंचने के बहुत सारे रास्ते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी लिमिट जो है वो किसी भी जनरल पॉइंट से निकालनी पड़ती है आपको, जनरल तरीके से जो ये तो इसका मतलब होता है लिमिट x टेंस टू जीरो f ऑफ z इज इक्वल टू f ऑफ जीरो के इक्वल आ जाए। सिमिलरली यहाँ पे भी हम क्या निकालेंगे, लिमिट z टेंस टू z नॉट f ऑफ z इज इक्वल टू f ऑफ z नॉट के इक्वल, यहाँ के l नहीं आएगा, या फिर आप बोलो तो l जो है वो f ऑफ z के f ऑफ z नॉट के इक्वल होना चाहिए। अगर l हमारा f ऑफ z नॉट के इक्वल है तो हमारा फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो सिंपली आपको फलन की तो देखो इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, ए फंक्शन f, ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन, ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट z बराबर z नॉट इफ फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, if for any epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that mod f of z minus f of z not, ये ध्यान रखना, वहां पे l यूज किया था, यहाँ पे f of z not यूज करेंगे। कहने का मतलब यदि फलन की लिमिट जो है वो फलन
जेड नोट के मान के इक्वल आ जाए तब हम बोलते हैं, यानी कि एल इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड नोट हो तो हमारा काम बन जाता है कंटिन्यूटी में, इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर या फिर व्हेनेवर जेड माइनस जेड नोट इज लेस देन डेल्टा। ओके समझ रहे हो ना कि यहां से ये क्या हुआ, पहले यहां पे एल यूज कर रहे थे तो इसका मतलब क्या आ रहा था, लिमिट z tends to z naught f of z naught z is equal to f of z naught, अगर ऐसा हो रहा है तो हम बोलेंगे कि हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। ओके तो अभी इसके ऊपर एग्जांपल्स देखते हैं, एक तो वही देखेंगे सिमिलरली सिंपल जो एग्जांपल था क्या, f of z is equal to z square और z is equal to height of इसकी क्या बोलते हैं कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सिंपली हमारा काम है लिमिट चेक करना एट आइटा पे, तो लिमिट जेड टेंस टू आइटा एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जो हमने पिछली बार पॉइंट किया था अभी इसी पहले एग्जांपल में तो वहां से आया था माइनस वन, और एफ ऑफ आइटा की वैल्यू क्या है, यानी कि आइटा स्क्वायर, ये भी क्या है माइनस वन, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि लिमिट जेड टेंस टू एफ ऑफ जेड की इक्वल आ रहा है एफ ऑफ आइटा के, यानी कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ओके अभी इसी को मैं एग्जांपल को चेंज कर रहा हूँ, इसी एग्जांपल को मैंने चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा सा चेंज करता हूँ फिर देखते हैं कंटिन्यूस है या नहीं है। तो देखो मैं इस एग्जाम्पल को ले रहा हूँ, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर इफ जेड नॉट इक्वल टू आइटा, और f of z is equal to 0 if z बराबर आइटा, यानी कि जब z की वैल्यू आइटा होगी तो हमारा फंक्शन क्या है, जीरो वैल्यू देगा, अगर आइटा नहीं है z not equal to आइटा तो हमारा फंक्शन जो है वो क्या z square वैल्यू दे रहा है। ओके तो इसको देखो कैसे करेंगे, इसकी पहले लिमिटिंग वैल्यू निकालो, तो लिमिट z टेंस टू आइटा z स्क्वायर, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू तो हमने निकाली हुई, लिमिटिंग वैल्यू तो इसकी माइनस वन आती है, श्योर है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन f ऑफ आइटा की वैल्यू क्या है, हमने हमें इसने बोल दिया कि f ऑफ आइटा की वैल्यू जीरो है, जीरो है, तो देखो जो इसकी लिमिटिंग वैल्यू है लिमिट ऑफ z टेंस टू आइटा f ऑफ z, ये तो आ रही है माइनस वन, और फलन का मान आ रहा है आइटा पे जीरो जो कि इक्वल नहीं है, तो इसलिए यह फंक्शन क्या नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है, एफ इज नॉट कंटिन्यूअस, समझ रहे हो ना, एट जेड बराबर आइटा पे, तो ऐसे हमें इसको शो करना होता है। तो ये मैंने आपको आज दो डेफिनेशन करवा दी, एक तो लिमिट की और एक कंटिन्यूटी की, और इसके ऊपर एक छोटे छोटे एग्जाम्पल करवाए। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके ऊपर काफी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल है वो आपको करवाऊंगा लिमिट और कंटिन्यूटी के ऊपर, आप उसमें देखकर बताना कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। ओके आज के लिए इतना ही, थैंक यू।